तो गाइस फिलहाल यहाँ में अभी कढ़ाई चला दिया है, उसके बाद हमें प्याज कटेगा, टमाटर कटेगा एंड इसको तो ऑब्वियसली तवा में या में गर्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं प्याज टमाटर अभी नहीं कटेगा, फिलहाल तो ये मैगी है, मैगी को पहले बॉईल करेगा क्योंकि मैगी को पहले फ्राई करना है ना, तो फ्राई करेगा तो पहले इसको बॉईल करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैगी फ्राई करेगा तो अभी प्याज को मैं पहले काट लूंगा छोटा छोटा। यहाँ पे कढ़ाई चला दी है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तेल भी डाल दिया इसमें, तो मैगी ज्यादा नहीं 3 पैकेट क्योंकि मैं अकेला ही मैं 4 पैकेट में खा लेता हूँ आराम से, तो अभी फिलहाल 3 पैकेट बनाएगा। उसके बाद प्याज को पहले काटने के बाद उसके बाद टमाटर के फ्राई होंगे। प्याज का ये क्या बोलेगा यार, जो भी है लेकिन आग में पूरा जा रहा है। ओहो दैट्स व्हाई गाइस सिंगल लाइफ इज समटाइम बहुत हार्ड है, बट रहने के लिए अकेला क्या करेगा, लेकिन मैं अकेला रहने का भी आदत डाल लेना चाहिए क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि कहीं कहीं हम लोग जैसे कि कहीं बाहर चला जाएगा रेंटमेंट बैठेगा उसके आपको तो खुद ही बना के खाना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड होते होगा तो उसमें एक अलग बात है, लेकिन आपको ये सब सीखना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है अपने लाइफ का। तो गाइस अभी इसको मैं यहाँ में डालूंगा, फिलहाल मैंने नमक डाल दिया है हमें, सच में यार काफी बहुत डर लगता है मुझे। वैसे मैं मास्टर शेफ हूँ क्योंकि मैं एक जमाना था कि मैं दूसरा लोगों का घर में खाना पकाया करता था, पोछा मारा करता था, तो उसी का एक्सपीरियंस है थोड़ा मेरे बहुत मेरे अंदर में थोड़ा बहुत। ओ ए पाव भाजी सरकार तो टमाटर तो अभी मैंने वो हो गया, तो अभी इसमें अभी मसाला जाएगा, तो आप लोग इस तरह से पका सकते हैं क्योंकि मैं खुद ऐसे ही पका के मैं खाता हूँ डेली। इसमें जो भी मसाला जितना मैगी आपको डालना है उतना पैकेट मसाला डाल दीजिएगा, तो ये रहा कुछ इस तरह से। और इसको आप अच्छा से मिक्स कीजिए ताकि इसका फ्लेवर जो और अच्छा लगे खाने में। इसका जो गंध है ना गैस कसम से बहुत मजा, स्मेल बहुत अच्छा सा आ रहा है। ये देखो गैस ये अगर इसमें मैगी बिना मिक्स किए बिना अगर खाना के साथ बस ये खाएगा ना ये कसम मजा आ जाएगा। ये अभी पक के तैयार है, अभी तो इसमें अभी डलेगा ये मैगी, तो आप देखो प्रोसेस कैसा कैसा आता है। इसमें 3 पैकेट मैंने मैगी लिया है तो तीनों को मैं डाल दूंगा फिलहाल, तो इसका अच्छा से वो करिए मिक्स कीजिएगा इसके साथ ना ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा, आप लोग अच्छा से मिक्स करना एंड देखने में भी काफी मस्त आ रहा है यार क्या मजा। और इसका जो गंध है ना भाई स्मेल तो अभी मैं यहाँ में एक हल्का से मैं पानी देगा इसको। तो मैंने हल्का से यहाँ में पानी दे दिया इसको, पानी अगर नहीं देगा तो ये पूरा एकदम मतलब कढ़ाई में पूरा चिपक जाएगा, उसके बाद ये पकेगा भी नहीं ठीक से, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा दे दिया इसमें एंड अभी इसको खाने का जो मजा आएगा कसम। आप लोग मुझको कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस किस ने ऐसे जैसे हमने अभी जो जैसे पकाया है जो प्रोसेस में जिसने अगर पका के खाया तो आप लोग मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा। वाह मेरा मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस अकेला बनना भी इतना आसान काम नहीं है, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है और ये सब है अपना हम लोग का लाइफ का सबसे बेसिक थिंग्स जो कि हम लोग को सीख के रखना चाहिए।
नाखूनों को क्या रखते हैं? आजकल में काफी स्किनी नहीं हो गया, काफी पतला हो गया लग रहे हैं। एक टाइम था हम भी बहुत मोटा हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी पूरा बदन सूख गया मेरा। चल कोई ना, धीरे धीरे हो जाएगा। अपन अपना खान पान को थोड़ा ध्यान रखेगा। आई गेस कि ये पता नहीं पका कि नहीं पका, लेकिन देखना पड़ेगा। वाओ, अच्छा है, लेकिन टेस्ट मसाले इसका जो वो है ना, क्या बोलेगा, ग्रेवी। अभी इसको मैं थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे छोड़ दूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे, उसके बाद मिलते हैं एक मिनट के बाद। हो गया। तो गाइस मैगी अभी पक के हो चुका है, तो इसमें जाएगा नमक, जो कि है सोलबी का स्टाइल में। बर्गर जो लिया था हमने, तो इसको यार मैं थोड़ा सा गर्म कर रहा है, क्योंकि ठंडा में खाने से भी ना टेस्टी नहीं होता ना, तो थोड़ा सा गर्म करेगा। ये गया टमाटर का स्लाइस, एंड ये गया प्याज, एकदम लोकल बर्गर। उसके बाद अरे आजा, ये प्याज गया, एंड इसमें हल्का सा हम ग्रेवी देगा, अपना स्टाइल में बर्गर बनेगा, हल्का से इसमें ग्रेवी देंगे। टेस्टी भी नहीं होगा लग रहा है, देख के पता तो नहीं रहा कि ये टेस्ट होने वाला है, देखता हूँ यार फिर भी। तू भी ऑनेस्टली मैं सच बोलूंगा, ठीक है, इतना खराब भी नहीं जितना मैं सोच रहा था। एक तो गर्म है, उसके बाद टमाटर का और जो प्याज का जो टेस्ट आ रहा है काफी मस्त है। फ्रेंड्स मैंने मैगी ले लिया, इसमें टमाटर ऑलरेडी है हमें, एंड प्याज को मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी मैगी डाला, आप देख सकते हैं इसमें आपको ये जो टेस्ट है ना, केएफसी में भी आपको नहीं मिलेगा। अगर बर्गर खाना है तो आ जाइए गाइस यहाँ, मैं आपको मैं मस्त बना के खिलाऊंगा। और ये मैगी जो पकाया था आगे, इसको मैं खाता हूँ अभी। काफी टेस्ट है इसका, इसका जो फ्लेवर लेकिन काफी अच्छा आ रहा है, जो बनाया था इसका ग्रेवी फ्लेवर जो भी है। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, एंड दोस्तों के साथ अगर शेयर करो अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो। एंड फिलहाल तो मैं इसको खा के खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग रहा है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।